जोधपुर शहर के बाजारों में इन दिनों रौनक दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए बाजारों में पहुंच रहे हैं। इसी का फायदा उठाने के लिए चोरों की कई गैंग भी सक्रिय हो चुकी है। ये वीडियो तिरपोलिया बाजार का है, जहां एक दुकान पर आप देख सकते हैं कि ग्राहकों की आवाजाही है। ग्राहक कपड़े खरीदने पहुंच रहे हैं। इसी का फायदा उठाने के लिए एक चोरनी वहां मौके पर पहुंची। ग्राहक और दुकानदार का ध्यान भटकाया, कपड़े दिखाने की बात कही और इसी दौरान पलक झपकते ही पहले से बैठी ग्राहक के पास का बैग लेकर पार हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है और आप देख सकते हैं कि किस तरह ये जो महिला बैग लेकर जा रही है, वो ग्राहक का बैग पार कर रही है। एक बार फिर से देखिए, दुकान में ग्राहक ही चल रही है, एक महिला बैठी कपड़े देख रही है। उसी दौरान एक और महिला दुकान पर पहुंचती है। दुकान पर आकर महिला बैठी और दुकानदार से कुछ कपड़े दिखाने की बात करने लगी। दुकानदार ने भी एक और ग्राहक समझकर उसे कपड़े दिखाने शुरू किए। महिला ने अपना बड़ा बैग वहाँ रखा और उसकी ओट में दूसरे ग्राहक का बैग छुपा लिया। फिर एक दो कपड़े देखे और फिर कपड़े लेने का बहाना किया और कपड़े वापस रख महिला का बैग लेकर पार हो गई। बैग ढूंढने पर नहीं मिला तो सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। कैमरे देखने पर पूरी घटना पता चली कि आखिर किस तरह बैग चोरनी लेकर फरार हो चुकी थी। आइए सुनते हैं उस महिला को जिसका बैग पार हुआ। ये ग्रुप बना हुआ है। हाँ बोलो, क्या हुआ था? दुकान तो बोलना। नाम क्या है आपका? रमेश ड्रेस मटेरियल त्रिपोला बोला। रमेश ड्रेस से ही हम आए आए थे और ना वहाँ से हमारा एक पर्स चोरी हो गया है। कब की घटना है? ये भी लगभग दो सवा दो का टाइम है। आप क्या, हम आप परचेजिंग कर रहे थे? हाँ, सूट। आपको कैसे पता चला ऊपर से आपका लेके गए? हम ना खड़े हो, ठीक है। क्या नाम है आपका? सूट देखे उसने, चुंदड़ी वाले उसने भी। कहाँ रहते हैं आप? मेहता, ठीक है।